सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप तुषार पायला के जैसा वीडियो कैसे बना सकते हो। सो दोस्तों, आपने देखा होगा जो तुषार पायला है वो अपनी आवाज़ में वीडियो बनाते हैं एंड उनकी वीडियो क्वालिटी एंड बैकग्राउंड में जो ब्लर रहता है वो इतना ज़्यादा मस्त रहता है कि उसका कोई जवाब नहीं है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपने बैकग्राउंड में ब्लर कैसे करना है एंड कैसे उनके जैसी वीडियो एडिटिंग करनी है। तो कम्प्लीटली इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको अपने छोटे भाई के लिए एक छोटा सा काम कर लेना है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड जो बेल वाला आइकन है उसको ऑल पे प्रेस कर देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले एक काम कर लेना है। आपको पता है कि जो तुषार पायला है वो अपनी आवाज़ में वीडियो बनाते हैं तो वो डायलॉग या फिर शायरी कुछ भी बोल देते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले एक वीडियो क्रिएट कर लेना है। जो भी आप करना चाहो आप डायलॉग या फिर शायरी कुछ भी बोल सकते हो। तो दोस्तों, आपको अपने डिफॉल्ट कैमरा से वीडियो शूट नहीं करना है, आपको इंस्टाग्राम से वीडियो शूट करना है। तो आपको कौन सा फिल्टर यूज़ करना है एंड कैसे वीडियो को शूट करना है मैं आपको अपने मोबाइल फ़ोन के होम स्क्रीन पर बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम में चले जाना है। तो इंस्टाग्राम में जाने के बाद आपको सबसे पहले ऊपर प्लस वाला आइकन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको जो सेकंड पे स्टोरी वाला ऑप्शन दिखता है तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। तो क्लिक कर देने के बाद आपको एक फिल्टर यहाँ पे अप्लाई करना है अपने वीडियो के ऊपर, जिससे आपका वीडियो क्वालिटी में जो ब्लर है वो काफ़ी ज़्यादा मस्त आने वाला है दोस्तों। तो आपको लेफ्ट में स्वाइप अप करना है और यहाँ पे आपको एक फिल्टर मिलेगा पोर्ट्रेट सिनेमा। तो कुछ ऐसे करके यहाँ पे आपको एक वीडियो शूट कर लेनी है। तो आप देख सकते हो मेरा बैकग्राउंड में जो एकदम अच्छे तरह से ब्लर हो चुका है दोस्तों। तो आपको ऐसे करके कोई भी डायलॉग या फिर शायरी ऐसे यहाँ पे शूट कर लेनी है, आपको जो बैकग्राउंड है वो ब्लर आने वाला है। तो मैंने एक वीडियो शूट कर लिया है, मैं आपको उस वीडियो को दिखा देता हूँ। अगर ज़िंदगी खेल है ना तो हम भी खिलाड़ी हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना वीडियो क्रिएट करने के बाद कोने में आपको थ्री डॉट यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ दोस्तों, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है एंड आपको अपनी जो वीडियो है इसे सेव कर लेना है अपने गैलरी के अंदर। ये आपका विद साउंड यहाँ पे सेव होने वाला है दोस्तों। तो आपको सेव होने के बाद आपको कैसे आपको एडिट करना है मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको जो शूटिंग का जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस वीडियो को कैसे एडिट करना है। तो एडिटिंग के लिए मैं VN एप्लीकेशन को यूज़ करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अपने मोबाइल फ़ोन के होम स्क्रीन पर लेके चलूँगा, बिकॉज वहीं पर इस वीडियो को आपको एडिट करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे मोबाइल फोन के होम स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आपको ऐसा वीडियो एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको यहां पे VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है दोस्तों। तो मैं अपने VN एप्लीकेशन को ओपन करता हूं एंड नीचे आपको यहां पे सेकंड नंबर पे एक प्लस वाला आइकन दिखाई देता है दोस्तों, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है एंड यहां पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके आपको उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिस वीडियो को आपने शूट किया है दोस्तों। तो मैंने इस वीडियो को यहाँ पे शूट किया था, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे ट्रैक के ऊपर लेके आ चुका हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले आपको वीडियो के एंड में चले जाना है एंड जो वाटरमार्क है उसको आपको डिलीट कर देना है। तो सबसे पहले इस वीडियो को मैं आपको सिंपल तरह से आपको प्ले करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। अगर ज़िंदगी खेल है ना तो हम भी खिलाड़ी हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरा वीडियो एकदम से सिंपल है, कोई भी एडिटिंग अभी नहीं हुई है इसमें, ठीक है। तो आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको जो एक्स्ट्रा जो पार्ट होता है आपकी वीडियो का आपको उसे डिलीट कर देना है दोस्तों। तो मेरे वीडियो में कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है दोस्तों, तो मैं अभी यहाँ पे कोई भी कट नहीं करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको इसमें म्यूज़िक ऐड करना है, बिकॉज आप लोगों को पता है कि एक म्यूज़िक एक वीडियो को वायरल कराता है। तो सबसे पहले मैं म्यूज़िक वाले साइन के ऊपर क्लिक करूँगा, तो इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद आपको फिर से म्यूज़िक के ऊपर क्लिक कर देना है और आपको अपनी गैलरी से एक म्यूज़िक को यहाँ से यूज़ कर लेना है दोस्तों। मैं आपको एक कॉपीराइट फ्री यहाँ पे एक म्यूज़िक यूज़ करके दिखाऊंगा, बिकॉज मेरे चैनल पर कॉपीराइट आने का खतरा है, इसलिए मैं आपको कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक एक यहाँ पे NCS का यूज़ करके दिखाऊंगा, जो कि मैं हर वीडियो में यूज़ करता हूँ। तो चलिए, मैंने इस वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है ऑडियो को, ठीक है। तो मैं इसकी वॉल्यूम को थोड़ा कम कर देता हूँ, बिकॉज आप इरीटेट हो सकते हो। तो राइट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा ये वीडियो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है दोस्तों। तो देखिए, मेरा वीडियो यहाँ पे ऊपर यहाँ पे साउंड अगर जिंदगी अच्छी तरह से लग चुका है दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे दोस्तों, अब हमें इसमें टेक्स्ट ऐड करना है, बिकॉज आप लोगों को पता है कि तुषार पायला अपनी वीडियो के अंदर एक टेक्स्ट भी ऐड करते हैं, जो कि इसमें टाइटल अपना एनरोल कर देते हैं दोस्तों। तो आपको टाइटल ऐड करने के लिए सबसे पहले T वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है दोस्तों, और यहाँ पर आपको टाइटल टेम्पलेट जो आपका लेफ्ट में दिखाई देता है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपको जो पहले वाला ये ऑप्शन आता है ब्लॉग का, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है दोस्तों और यहाँ पर अपना टाइटल आपको डाल देना है। तो मैं जैसे कि यहाँ पर भाई डालना चाहता हूँ, आप लोगों को पता है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है भाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे बड़ा कर लेता हूँ, तो मेरा जो टाइटल है
है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है, तो मैं पूरे वीडियो के ऊपर से अप्लाई कर देता हूँ दोस्तों। तो देखिए हमारा वीडियो टाइटल यहाँ पे ऐड हो चुका है काफ़ी इजीली तरीके से, ठीक है। तो आपको अब इसमें इफेक्ट कैसे डालने हैं, देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना डायलॉग बोल के खत्म कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा डायलॉग बोल के मैं ख़त्म हो चुका हूँ, तो यहाँ पे हमें एक इफेक्ट लगाना है जो कि हमें इस वीडियो में अट्रैक्शन डालेगा। तो स्प्लिट पे क्लिक करेंगे हम एंड यहाँ पे सेकंड वाले लेयर पे जाएंगे और यहाँ पे एफएक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है दोस्तों आपको। तो यहाँ पे आपको थोड़ा यहाँ पे स्वाइप अप करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है जीटर डाउन, सो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको राइट के ऊपर क्लिक कर देना है दोस्तों। तो अगर मैं इस वीडियो को प्ले करके दिखाऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाली दोस्तों। तो हम भी खिलाड़ी हैं, तो आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव ये वीडियो है, मुझे लग रहा है दोस्तों। तो एकदम तुषार पायला के जैसा लग रहा है, एकदम बैकग्राउंड में बलर भी एकदम मस्त वाला आ रहा है दोस्तों। तो आपको अपने वीडियो को कम्प्लीटली एडिटिंग करने के बाद दोस्तों आपको ऊपर एक्सपोर्ट वाला बटन कोने में दिखाई देता है, सो इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। तो जैसे मैंने अपने सेटिंग किया हुआ है अपने VN का, तो आपको ऐसा ही कर देना है, तो आपको एक्सपोर्ट कर देना दोस्तों। एक्सपोर्ट करने के बाद ये वीडियो आपको अपने गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा, तो आप इसे कहीं भी अपलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको जरूर भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेना। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।